टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पांचवें दिन खुल गया है। एनएच पूरे 104 घंटे बंद रहा। स्वाला के पास से मलबा हटने के बाद 12 सितंबर से बंद एनएच 16 सितंबर दोपहर करीब 2 बजे खुल गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने बताया, मरोड़ा खान के पास नई सड़क बनाकर रविवार शाम को यातायात शुरू कर दिया गया था। इसी के साथ वाहनों की आवाजाही भी सुचारू हो गई है। सबसे पहले स्वाला में कार, जीप और छोटे वाहनों को निकाला गया और फिर बड़े वाहन निकाले गए। मौसम विभाग ने बुधवार से फिर मौसम के खराब होने का अंदेशा जताया है। इसी को देखते हुए सभी डेंजर स्थानों पर मशीनों को तैनात किया गया है। मलबा हटाकर पूरे तरीके से सड़क को खोला जा रहा है। नगर में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोमवार को ईद ए मिलादुन नबी का जुलूस निकाला। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मस्जिद में पहुंचा। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने नारे लगाए। और जिला अस्पताल व महिला अस्पताल में फल वितरण किया। जगह जगह शरबत बांटा गया। गांधी चौक में व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत, बहार अली, महेश शर्मा और मस्जिद में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने बधाइयां दी। जुलूस में जामा मस्जिद के मुतवल्ली मीर अख्तर अली, सरफराज अहमद, फरहान अहमद, जावेद खान, जौहर खान, हाजी भूरे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान मस्जिद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन हाफिज सलमान कादिर ने किया। बड़ाबे क्षेत्र में हुई भारी बारिश से लोदगाड़ में 40 नाली भूमि बह गई है। इस जमीन में लगे मक्के, राजमा, मड़वा और भट्ट की फसल भी बर्बाद हो गई है। गांव में नारायण दत्त जोशी, नंद किशोर जोशी, राजेंद्र जोशी, गणेश दत्त जोशी, पीताम्बर जोशी के मकान खतरे की जद में है। दिक्तोली गांव में बंजर पड़ी भूमि में विभिन्न विभागों के सहयोग से किया गया वनीकरण भारी वर्षा से बर्बाद हो गया है। ग्रामीण पूरन चंद्र पाटनी, दीप चंद्र पाटनी, भगवती प्रसाद पाटनी आदि ग्रामीणों को भू कटाव से भारी क्षति हुई है। गौड़ीहाट से दौली गांव को जोड़ने वाली सड़क भारी बारिश से खस्ता हाल हो गई है। सड़क में जगह जगह मलबा आ गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 37 वर्ष पूर्व बनी इस सड़क की कभी भी सुध नहीं ली गई। खूना नैनीपातल सड़क भारी बारिश के चलते बह गई है। दोपहिया वाहन भी सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं। लोगों को स्कूटी उठाकर ले जानी पड़ रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पुष्पा कुमारी ने अविलंब सड़क को ठीक कराए जाने की मांग की है। सड़क के बीचों बीच नाला बह रहा है। भारी बारिश के चलते चमाली गांव में खासी क्षति हुई है। दीवान सिंह महर, सुरेश सिंह के मकान के पास लगी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कैलाश गिरी और मोहन सिंह महर के मकान भी खतरे के जद में आ गए हैं। गाँव के मंदिरों को भी बारिश के चलते खासी क्षति पहुँची है। अब 3-स्टार फैसिलिटी और एसी रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला, मुंसियारी, डीडी हाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत, चुंगी, टनकपुर। लिंचुड़ा गांव में बने बेस अस्पताल में रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। युवा नेता राहुल लुंठी की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बेस चिकित्सालय निर्माण के दौरान ग्रामीणों को चिकित्सालय में रोजगार का भरोसा दिया गया था।
जिस तरीके से पहले बेस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, उस समय हमारे गांव के लिंडला वालों को कहा गया, आश्वासन किया गया था कि रोजगार देंगे, सबसे पहले कहते हैं नौकरियां देंगे, पर आज हम देख रहे हैं बेस हॉस्पिटल में रोजगार के मामले में हमारे गांव का एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। हमारी मांग सरकार से यह है कि हमारे गांव वालों को योग्यता के अनुसार उनको जॉब में रखा जाए। युवाओं ने रोजगार देने की मांग उठाई। प्रदर्शन करने वालों में अक्षय लुंठी, दीपक लुंठी, हिमांशु लुंठी, अम्मू लुंठी, आरती, सोनिया, निशा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मतकोट से ढूनामानी गांव को जोड़ने वाली सड़क 2 माह बाद भी नहीं खुल सकी है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा कि सड़क बंद होने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, गांव तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है, बीमार लोगों को अस्पताल लाने में खासी दिक्कत हो रही है, कई बार मांग करने के बाद भी सड़क ठीक नहीं कराई जा रही है। उन्होंने शीघ्र सड़क नहीं कराए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें, साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।